नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट, जिसे देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन फिलहाल प्रतिबंध हटाने के मूड में नहीं है। इटली के नाविकों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, परिजनों को मिलेगा 4-4 करोड़ मुआवजा। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून और प्री मानसून की बरसात हुई शुरू, उत्तर भारत तक पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,471 नए मामले दर्ज किए गए, यह आंकड़ा पिछले 75 दिन में सबसे कम है। देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,13,378 है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आया सामने। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए वेरिएंट से फिलहाल भारत को डरने की जरूरत नहीं है। एम्स के सीनियर डॉक्टर बोले, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत होगी। इसे लेकर भारत समेत अमेरिका और यूरोपीय देशों में शोध हो रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पिछले 200 सालों में पर्यावरण में केवल 3% का ही योगदान दिया है, जबकि यूरोप और अमेरिका ने पिछले 200 सालों में और चीन ने 40 साल में बेहिसाब कार्बन उत्सर्जन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर 21 से 30 जून के बीच प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन करने को कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश में 50 लाख बच्चों को बांटी जाएगी दवा किट, 17 लाख किट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में जमीन खरीद का सच आया सामने, ट्रस्ट ने जमीन की कीमत ज्यादा नहीं बल्कि कम दी है। यूपी पंचायत के रिक्त 14,450 पदों पर मतगणना जारी, एक साथ आएगा सभी परिणाम। एलजेपी में घमासान पर चिराग पासवान पड़े अकेले, लालू से लेकर तेजस्वी तक हैं चुप, लेकिन रोहिणी ने नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को हटाने का फैसला किया है। फिलहाल वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बची रहेगी जो पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से आच्छादित है। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई। संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी 26 जून को आपातकाल लागू किए जाने की बरसी पर पूरे देश के राजभवनों के सामने प्रदर्शन की घोषणा से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पंजाब से कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कहा अकालियों ने पवित्र सीटों को बसपा को दे दी। हरियाणा में लॉकडाउन की नई टाइमिंग हुई जारी, राज्य में अब सभी उद्योग चलाए जाएंगे, जिम और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने के अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2005 में विश्व बैंक की वित्तीय मदद से मोहरदा पेयजल परियोजना का निर्माण हुआ था, जिस पर करीब 28 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 16 साल बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को इसमें बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में आज से पहली बार निमोनिया के टीका लगाए जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली आएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू व मंडी में आंधी व भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि इसी से अस्थायी निवासियों को भूमि और नौकरियों के अधिकारों की गारंटी संभव है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल रॉय विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग करेगी। उड़ीसा में 4,000 के नीचे आया दैनिक कोरोना संक्रमण के मामले, 42 लोगों की गई जान।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से मुंबई आने वाले यात्रियों का अब क्वारंटाइन में रहना आवश्यक नहीं होगा। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 405 नए मामले आए, जबकि 1106 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में माइंस मालिक से मासिक 50,000 रुपए मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक दस्ताने आरए ऑफिसर सुनील झिंगोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग के साथ मास्क पहने, योग करने, साथ साथ पेरेंट्स को वैक्सीन लगाने की सलाह दी गई है। रक्षा मंत्रालय में निकली है 100 क्लीनर और अन्य पदों पर भर्ती, उम्मीदवार हस्तलिखित प्रार्थना पत्र द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 2ATC आगरम पोस्ट बेंगलुरु के पते पर भेजें। टीम इंडिया के चैंपियन बल्लेबाज रहाणे ने महिला क्रिकेट टीम को टेस्ट से पहले बल्लेबाजी टिप्स दी है। सोनू सूद को देखकर फूट फूट कर रोने लगा कैंसर पीड़ित, जहां सोनू सूद ने उसे चुप कराया और तोहफे में मोबाइल फोन दिया। तो ये थी अभी की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।